Achibon, back, black, look. O Brian, wali, khele se, o out ho gaye. Ab ab. Babar Azam. Babar Azam team khela hi nahi. नहीं जी, ये देखें जी, मूसा भी दुखी हुआ हुआ है और कह रहा है कि यार बाबर आजम टीम छोड़ के ना आप कोई काम ढूंढ लो, कोई और कर लो यार, ये छोड़ दो पाकिस्तान टीम की जान। जी मूसा परेशान हुआ हुआ है, कहता है पाकिस्तान टीम हार गई है। मूसा कल बड़े प्यार से मैच देख रहा था और हम दोनों बड़ा इंजॉय कर रहे थे मैच को कि हम जीतेंगे। अब इसकी शक्ल देखें कैसी बनी हुई। ओहो, चलो मूसा कोई बात नहीं यार, फिर अब दोबारा हम किसी और टीम को आप सपोर्ट किया करेंगे, ठीक है ना। तो बाबर आजम को आप क्या कहना चाहते हो, टीम छोड़ दे अब ना खेला करे, उसकी कोई काम कर ले, कुछ साइकिलों को पंचर लगाया करे, वो ठीक है। मेरी साइकिल का चेन नहीं उतरा। आपकी साइकिल का पंचर, वो जो चेन उतरा हुआ है, वो बाबर आजम से आप चढ़वाएंगे, ठीक है ना। यही काम उसको कहते हैं करें। चलो फिर ओके बाय कह दो, फिर अल्लाह हाफिज कह दो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और मैच देख रहे होंगे वर्ल्ड कप के दूसरी टीमों के। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कम हो गया आपका न्यू फ्रेश व्लॉग में, करते हैं बात क्रिकेट के मुताबिक, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा अपसेट हैं। अपसेट होने की वजह भी आपको पता होनी भी चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तानी होने के नाते जो हो, हमने जो सोचा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो चुका है। और यूएसए से हारने के बाद हमने ये सोचा था कि यार पाकिस्तान अगले सारे मैच जीतेगा। यूएसए से तो हारना समझ से बाहर है ना, कि वो कैसे हारना, या उन पाकिस्तान और यूएसए का मैच अगर आप विशेष लिखे ना, तो मेरा ख्याल है कि वो ऑटोमेटिकली 99% पाकिस्तान को वो परसेंटेज देगा, कि गूगल से भी यही परसेंटेज आएगी कि पाकिस्तान जीतेगा। तो मेरा नहीं ख्याल था कि यार ये ऐसा होगा, लेकिन कल का मैच देख के अब हम बाहर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो हारे, ये हारे, ये हो, ऐसे हो, ये अब कुछ भी नहीं होना, पाकिस्तान बाहर हो चुका है। और T20 का सफ़र हमारा 2024 का यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट काफ़ी खेलता था, बहुत ज़्यादा खेलता था, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। इस पे ही आज मैंने व्लॉग बनाना है, क्योंकि बस हो गई यार, हद होती है किसी चीज़ की। देखें हम कितना सपोर्ट करेंगे, अपनी टीम को कितना बैक करेंगे, कितना हम लोगों को समझाएंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। वो यार कब तक होता रहेगा, कितना और आप चाहते हो, क्या करें हम आपके लिए, आप लोगों को कितना बैक करें, कितना आपकी सपोर्ट करें और कितना आपको कहें कि यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं यार नेक्स्ट मैच में हो जाएगा, बस कर दो यार। T20 की टीम ही नहीं हो आप लोग जितने खेलने गए हो। अब शदाब खान को देख लें, वो क्या कर रहा है, कितने मैच खेले हैं उसने, क्या किया उसने, ठीक है। इमाद वसीम साहब बाहर बैठ के तो ऐसे बातें करते हैं जैसे ना अपने वक्त के सचिन तेंदुलकर हो और विराट कोहली तो इनका बच्चा हो, ठीक है ना। तो भाई साहब बातें करना बहुत आसान है। आमिर साहब आपकी तरफ भी आते हैं, आप जो रिटायरमेंट लेके वापस आए हैं, जनाब आपने किया क्या आके, पहले ये तो जरा दिखाएं। यूएसए से 17 स्कोर खा गए हैं आप, ये आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आप बने हुए हैं और अपने आप को समझते हैं, मैं पता नहीं कौन सा बॉलर हूँ। आप वसीम अकरम से भी बड़े बॉलर बन गए थे, तो वो आप कहाँ गई आपकी वो स्विंग्स और वो बॉलिंग, वो स्पीड, वो कहाँ गया सारा कुछ। यार पता है मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, देखें मैंने क्रिकेट बड़ी खेली है और मैं क्रिकेट को जानता हूँ बड़े प्यार से और बड़े गौर से देखता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि जितनी खेली है ना ईमानदारी से खेली है, तो जितनी भी खेली है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खेली है, इस तरह नहीं खेली और ना कभी इस तरह होते देखा है। तो बात ये करने की है कि देखें हारना जीतना वो अलहदा बात है, लेकिन जब ऐसी हार हो, अब यूएसए से आप हारे हैं, चलो मान लिया यार अपसेट हो गया, ख़त्म होगी चीज़, आप एक प्रोफेशनल टीम हो, एक इंटरनेशनल लेवल की टीम हो, आपके कंधे गिरे हुए हैं,
आप ऐसे थके हुए हो जैसे पता नहीं क्या हो गया आपसे, तो ठीक है हमने आपको फिर भी बैक किया, आप फिर इंडिया से 120 स्कोर नहीं कर सके यार। आपसे तो अच्छा नसीम शाह है यार सारे बैट्समैनों से, जो कम से कम एंड पे आके इसने थोड़ी सी फाइट होप तो दी कि यार हमें किसी जगह पे लगा ही नहीं कि यार मैच जीतने आए हम तो टेस्ट मैच खेल रहे थे। अच्छा जी यकीन करें कि मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी माइंड नहीं था या दिल नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये है कि काम तो करना है हमने इनको देख के, इनकी वजह से इनको क्या लगे यार इनका, ये जो 24 करोड़ आवाम इनको देखती है ना, ये ना देखे अब कोई फायदा नहीं इनको देखने का। जब तक ये टीम है ठीक है, पाकिस्तान टीम का एक नाम होता था, एक रोब दबदबा होता था कि पाकिस्तान टीम खेलने आ रही है ठीक है, तो अब ये होता है कि उनको पता ही, वो कहते हैं यार थोड़ी सी फाइट करके इनसे जीत जाएंगे, ऐसे लोगों में इनका तासर बन गया होगा ठीक है। जब तक ये टीम है ना तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना इनका मैच देखना तो दूर की बात है, अब इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते ठीक है। जब तक ये पूरी टीम रहेगी, 2-3 बॉलर है मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, सिर्फ नसीम शाह मुझे तो अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे जिस तरह वो रो रहा था, और बाकी जो उसने फाइट भी की है, खाली रोया नहीं वो, उसने फाइट भी की है। तो ऐसे अगर सारे होते तो शायद हम उनको कहते कि यार नहीं कोई बात नहीं हार गए हैं कुछ नहीं होता, लेकिन आपसे 120 स्कोर नहीं हुआ यार, आप लीगें खेलो, आपका काम है लीगें खेलना, आप लीगें खेलो, क्रिकेट ना ये इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दो। वो आजम खान साहब ये हमेशा कहते हैं यार वो जो क्रिकेट है ना वो और तरह की क्रिकेट है, वो तू अपना विड वेख अपनी जान वेख लदया बंदया खुदा दा खौफ खा, तू करदा की पिया इंटरनेशनल खेलता पे तो तू कहना पे कि यार वो क्रिकेट और तरह की है, तो फिर भाई लेने क्या जाते हो, कौन भाई हमने लीग ही खेल ली हमसे नहीं खेला जाता जी बंदे हो यार, कसम से यार डिसाइड कर दिए पाकिस्तान टीम ने। मेरे वाले साहब कहते होते थे अल्लाह बख्शे कि यार क्रिकेट ना देखा करो ना खेला करो, कोई फायदा नहीं इसका, ये बहुत एम्बेरस करते हैं, और वाकई ही आज काफी देर के बाद मुझे समझ आई है कि वो क्यों कहते थे। तो बड़ा दुख हुआ यार, व्लॉग बनाने को दिल नहीं था, लेकिन मैंने कहा यार चलो आपसे अपनी इस चीज को शेयर करें, दुख को शेयर करें, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अगर टाइम हो दो। तो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना बंद कर दें, मैंने तो बंद कर दिया, मैं तो किसी और टीम को कर लूंगा, बल्कि क्रिकेट अभी तो फिलहाल देखनी नहीं, एक दफा काफी डिसाइड हो चुके हैं, तो देखते रहें कुकू भाई चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ, और इस दुआ के साथ कि आप रहें जहां पे रहें खुश रहें आबाद रहें, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको मेरा सलाम अदाब और अल्लाह हाफिज़।